संयुक्त किसान मोर्चा ने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भारत के लिए पदक हासिल करने वाली महिला पहलवानों के समर्थन में एक जुलूस निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन, ऑल इंडिया खेत मजदूर संगठन, अखिल भारतीय किसान महासभा एवं ट्रेड यूनियनों ने संयुक्त रूप से सिविल लाइन्स स्थित अम्बेडकर पार्क से कलेक्ट्रेट तक जुलूस निकाला। जुलूस कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक सभा में परिवर्तित हो गया। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि देश की महिला पहलवानों ने कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाकर इंसाफ की गुहार लगाई थी, लेकिन पुलिस द्वारा उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई और महिला पहलवानों का प्रदर्शन जारी रहा। इसी दौरान माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। ज्ञापन में कहा गया है कि पुलिस द्वारा मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन अभी तक आरोपी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है। भाजपा सरकार पर आरोपी को संरक्षण दिए जाने का आरोप भी लगाया गया है। ज्ञापन में आगे कहा गया है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर इंसाफ के लिए बैठी इन महिला पहलवानों को जबरदस्ती खदेड़ दिया गया है। मांग उठाई गई है कि देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक हासिल करके देश का मान सम्मान और गौरव बढ़ाने वाली इन महिला पहलवानों को अपना विरोध जारी रखने के लिए जंतर मंतर पर धरना दिए जाने की अनुमति प्रदान की जाए। इसके अलावा आरोपी भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को तत्काल गिरफ्तार करके उनकी संसद सदस्यता समाप्त करके जेल भेजे जाने की भी मांग उठाई गई है। सभा को संबोधित करते हुए कामरेड रोहिताश राजपूत ने कहा, संयुक्त किसान मोर्चा और संयुक्त ट्रेड यूनियन जो हमारी बहन बेटियों के साथ जंतर मंतर पर घटना घटी है, उस शर्मसार घटना को लेकर पूरे देश में आज धरने और प्रदर्शन जनता कर रही है और सड़कों पर उतरी हुई है। बड़े दुख की बात है, इस तरह से हमारे देश के अंदर एक तानाशाही चल रही है। इतना क्रूर व्यवहार तो अंग्रेजी शासन में भी नहीं हुआ, उसमें भी माँ बहन बेटियों को इज्जत और सम्मान दिया जाता था, लेकिन आज जो हमारी बहनों के साथ हमारी बेटियों के साथ घटना घटी है उसको लेकर ब्रजभूषण ताके मार रहा है और बड़ी विरोधता के साथ बड़ी बेशर्मी के साथ वो कह रहा है कैसे हुआ, कहाँ हुआ, क्या हुआ। उसे शर्म आनी चाहिए और इस देश के मुखिया को डूब मर जाना चाहिए, उसको शर्म आनी चाहिए कि एक अपराधी किस तरह की बात और किस तरह का व्यवहार कर रहा है और उन बेटियों के आंसू पूरा देश देख करके रो रहा है। सभा को कामरेड विजय सिंह, कामरेड महिपाल सिंह, मोहम्मद गौरी एडवोकेट, कमलेश चाहल, हरकिशोर सिंह एडवोकेट, डॉक्टर कुरविंदर कौर, रूबी खान, इस्लाम अली, रामकिशोर रस्तोगी, कासिम अली, राजपाल सिंह एवं इशाद भारती ने भी संबोधित किया। ज्ञापन एवं प्रदर्शन के विषय में जानकारी देते हुए जीविका बचाओ आंदोलन समिति के अध्यक्ष हरकिशोर सिंह एडवोकेट ने बताया, आज किन मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया गया था? जो महिला पहलवान जंतर मंतर पर एक महीने से अपना शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे और जो भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, तो उनको जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने एक जबरन और लाठी के बल पर उनके आंदोलन को खत्म किया, उनको बूटों से कुचला और जो एक लोकतांत्रिक देश के अंदर जो घटना नहीं होनी चाहिए थी वो दिल्ली पुलिस ने की और सरकार जो ब्रजभूषण शरण को गिरफ्तार नहीं कर रही है, ये नहीं भेज रही है और ये आंदोलन का दमन किया जा रहा है, इसके खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने और युवा संगठनों ने, महिला संगठनों ने आज पूरे ही देश में एक जून को इसका प्रतिवाद करने का जो आह्वान किया था उसी के तहत आज यहाँ सभी संगठनों ने मिलकर ये ज्ञापन दिया है, इसका विरोध किया है और माध्यम से ये मांग की गई है कि ब्रजभूषण शरण को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और जो आंदोलन में जो पुलिस का हस्तक्षेप हो रहा है उसको तुरंत रोका जाए और जो लाठी चलाने वाले पुलिस के जो अधिकारी हैं, पहलवानों पर जो अत्याचार करने वाले पुलिस के अधिकारी हैं उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए, खिलाड़ियों पर जो मुकदमे हैं उनको तत्काल रद्द किया जाए, महिलाओं की सुरक्षा की जाए और ब्रजभूषण शरण
इस मौके पर विनोद कुमार विकल एडवोकेट, विनोद विक एडवोकेट, दिलीप झा एडवोकेट, लई कंसारी, गबरू सैफी, मोहम्मद रिजवान, शाकिर अली, सावित्री देवी एवं पूजा सहित भारी संख्या में विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे।